ईसीएस जो है वो कवर्ड है अंडर सेक्शन 52 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन इज दिस द वेरी फर्स्ट टाइम दैट यू हैव हर्ड द वर्ड टीसीएस, और हैव यू ऑल्सो हर्ड दिस वर्ड बिफोर इन सी इन ड्यूरिंग द एंटायर जीएसटी लॉ दैट वी हैव बीन डूइंग, एंड इफ येस वेयर वेयर हैव वी हर्ड दिस बिफोर? नो मेक, आई एम टॉकिंग अबाउट टीसीएस नॉट टीडीएस। आरसीएम में भी व्हाट अबाउट टीडीएस? दैट्स एब्सोल्युटली राइट श्रीयम, ऑफ ऑल द पीपल श्रीयम हैज गिवन द राइट आंसर, राइट? दैट्स एब्सोल्युटली राइट। एल्कोहल नहीं, अरे एल्कोहल पे तो वैट वगैरह लगता है रे गाउठी, इंक्लूजन्स में। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट श्रीयम, यस। याद करो दोस्तों, याद आ रहा है जहां पे बोला था हम लोगों ने कि आज 15(2)(a) में आप सभी टैक्सेस एंड ड्यूटीज ले सकते हैं एक्सेप्ट जीएसटी एंड टीसीएस, और वो टीसीएस इनकम टैक्स वाला टीसीएस था। याद याद आया क्या गाउठी? कार डीलर का एग्जाम्पल दिया था कि 20 लाख का गाड़ी है, 20,000 टीसीएस सप्लायर ने रिसीपन से कलेक्ट किया है, तो 20,000, 20 लाख, 20,000 पे नहीं, 20 लाख पे ही लगेगा जीएसटी। इसका एक अलग से सम भी किया था हम लोगों ने, एक सम में भी एडजस्टमेंट था ये। याद आवे छे, आवे छे, याद आवे छे गाउठी पीपल्स? बस वही बोला था। डन, ठीक है। तो वो इनकम टैक्स का था, ये जीएसटी का है, सीजीएसटी एक्ट का है, समझा? यस, ओके। और एक गूगली क्वेश्चन आ रहा है आपकी तरफ, पर यहां पे मैं बात कर रहा हूं टीडीएस की। तो टीडीएस की हम लोगों ने कल बात की, सेक्शन 51 के तहत हम लोगों ने टीडीएस की बात, इनकम टैक्स के टीडीएस की बात और कहां की है जीएसटी लॉ में? नहीं, आरसीएम में भी टीडीएस बेटा, अरे वो टीडीएस 51 वाला टीडीएस ही है रे गाउठी। नहीं, एग्जेम्पशंस, एग्जेम्पशन में कहां टीडीएस आ रहा है भाई? किस केस में, कौन से एग्जेम्पशन में टीडीएस है? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट गौरव, यस। इट इज सप्लाई, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में बोला है इसका टीडीएस कटता है 194J में, तो इसका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बाहर है, राइट? याद आ रहा है 192 में क्या है अपना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला सीन है, 194J में कंसल्टेंसी वाला है। 192 में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, इसीलिए वो नॉट अ सप्लाई है, 72 में आ जाएगा, जबकि दैट अदर केसेस आउटसाइड द स्कोप ऑफ 72, इसीलिए वो सप्लाई है, इसीलिए उस पर टैक्स लगेगा, और वो टैक्स लगेगा एज पर आरसीएम, राइट? बट दैट इज इनकम टैक्स वाला टीडीएस, मैंने बकायदा लिखा है वहां पे 192 ऑफ आईटी एक्ट, 194J ऑफ आईटी एक्ट, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके? एंड इफ यू वांट टू राइट, जस्ट गो देयर एंड राइट दैट, कि ये वाला टीडीएस और 51 वाला टीडीएस अलग अलग है भाई, जस्ट अपनी सहूलियत के लिए। और 15(2)(a) में जाके लिखना है तो लिख देना कि वो वाला टीसीएस और ये वाला टीसीएस अलग अलग है भाई, राइट? जस्ट गो एंड राइट इट डाउन, जस्ट गो एंड राइट इट डाउन, गो गो।
आलस मत करो भाई, जितना क्लैरिटी रहेगा उतना आपके लिए अच्छा है लाइफ में। देखो लिखा है बकायदा, मेरी गलती तो है ही नहीं बेटा, याद रखना। ओके और 17.5 भिन्न भिन्न प्रकार के, ओके एंड अकॉर्डिंगली क्या है दोस्तों, ओके वी विल रैप अप द सेशन। ओके यस यस ओके चलो रुक जाओ पर एक सेकेंड। इसमें प्रियम वाला सम किया था हम लोगों ने। ठीक है और क्या था, और क्या था रे काउटिंग। हाँ वैल्यू सप्लाई। ठीक है डन है बॉस। ओके लवली लवली लवली। चलो अभी आ जाओ TCS पे। ओके तो बात जब हम लोग TCS की करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ओके अगेन द फुल फॉर्म यू ऑल आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट। ओके टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ओके इट इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है अभी वर्ड ये ऐसा क्यों वर्ड दिया है भाई, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सिंपल ओके ऐसा नॉमनक्लेचर ओके दोस्तों इसीलिए भी दिया है कि भाई आज देखो एक सप्लायर है, एक रिसिपिएंट है और एक ईसीओ है। ठीक है तो आज ये जेठालाल है, ये अपनी फेवरेट, अपनी यानी जेठा की फेवरेट है भाई, अपने जेठा की फेवरेट वैसा बबीता जी, और ये है बेटा अमेज़ॉन। ठीक है तो आज जेठालाल ओके टीवी बेच रहा है 10-1 लाख का, उस पे GST है कितना 18%। तो बबीता जी ये पैसा दे रही है अमेजोन को और आइडियली अमेजोन पैसा दे देता है जेठालाल को, जेठालाल के पास आता है 1 लाख जो वो अपने अकाउंट में रखता है और 18,000 जो है GST वो दे देता है किसको, गवर्नमेंट को। इज दैट वेरी क्लियर, डन है बॉस डन है। ओके तो ये चीज क्या है बहुत ज्यादा मायने रखती है, संभाल लेना इसको। ठीक है अब ये आम जिंदगी थी, अभी TCS आने के बाद क्या चेंजेस हुए। ठीक है बबीता तो अमेजोन को 1,18,000 दे देगी, पर अमेजोन अभी क्या करेगा, 1,18,000 में से वो इस 1 लाख में से 1% TCS काटेगा। ओके और वो 99,000 ही रेमिट करेगा किसको, जेठा को। 99,000 प्लस 18,000 इस तरह से वो रेमिट करेगा और जेठालाल जो है
उसकी अकाउंट में 99,000 ही आएगा, 18,000 वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा, माने 18,000 उसका लायबिलिटी है। पर याद रखना उसके भी ई कैश लेजर में कितना जमा हो जाएगा, 1,000। तो जब वो जमा करने जाएगा लायबिलिटी, उसे 18 नहीं 17 ही पे करना, उसका लायबिलिटी 18 है पर एक ऑलरेडी जमा है तो उसको 17 ही जमा करना पड़ेगा, राइट। तो ये मोडस ऑपरेंडी है, मोडस ऑपरेंडी समझा आपको पूरा कि कैसे चीजें वर्क करेगी यहाँ पे। ओके, डिड यू चेक दिस कि भैया यहाँ पे अमेजोन ने TCS काटा था, समझा? गॉट इट बड़ी। अब मुझे सिर्फ आपसे एक बात करनी है और वो है ये, कि डू यू रियलाइज कि यहां पे वो TDS यूज नहीं किया, TCS यूज किया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर तू देखने जाएगा तो जेठालाल का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, अमेजॉन है क्या, बबीता जी? अमेजॉन क्या, क्या बबीता? अरे बोला, अरे बोला, अब बबीता जी छे, गॉट इट? तो क्या जेठा जेठा ये जो TCS है कौन काट रहा है, मां कसम कौन काट रहा है जेठा का TCS? बबीता है अमेजॉन? अमेजॉन पर क्या अमेजॉन सोर्स ऑफ इनकम है? नहीं, सोर्स ऑफ इनकम है बबीता। बबीता अगर काट ली तो बोलते TDS, पर काट रहा है अमेजोन। और अमेजोन कौन है? एक ऐसा बंदा है जो सप्लायर के बिहाफ पे कलेक्ट कर रहा है कंसिडरेशन फ्रॉम सप्लायर्स कस्टमर, जो सप्लायर के बिहाफ पे सप्लायर के ही रिसिपिएंट से, सप्लायर के ही कस्टमर से कलेक्ट कर रहा है कंसिडरेशन ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। तो अमेजोन कलेक्ट कर रहा है ना वो पैसा जेठालाल के बिहाफ पे बबीता से, बिकॉज जेठा और बबीता का मिलन किसने करवाया है दोस्तों? आई ने? नहीं बेटा, अमेजॉन। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस। और अमेजॉन का ही काम क्या है कि अमेजॉन के थ्रू ही क्या डिलीवरी होगी, और अमेजॉन ही क्या है सप्लायर के थ्रू क्या सप्लायर के भी आप पे क्या रिसीपेंट से पैसा ले लेगा, बिकॉज पीपल ट्रस्ट अमेजॉन मोर देन एनीवन एल्स। ठीक है, ये सीन है। तो इसीलिए यहां पे बोला जा रहा है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, बिकॉज दिस ईसीओ इज कलेक्टिंग कंसिडरेशन ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर फ्रॉम द रिसिपेंट। इज दैट वेरी क्लियर? तो जो पैसा कलेक्ट कर रहा है वो काट के अभी क्या है आपको पैसा दे रहा है, जो पैसा कलेक्ट कर रहा है वो क्या है TCS काट के आपको पैसा अभी दे रहा है। डज दैट मेक सेंस माई डियर फ्रेंड्स? यस, इट डज मेक सेंस। तो बस इतना ही बोलना था, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। ठीक है, ओके। अब क्या यहां पे कोई एलिजिबिलिटी वाला सीन कि इतने वैल्यू का क्या है अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे? ओके, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू, तो ही TCS कटेगा? नहीं, यहाँ पे कोई ऐसी मॉनिटरी लिमिट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इतना बोला है दैट एवरी कॉमर्स ऑपरेटर, बट माइंड यू नॉट बीइंग एन एजेंट, ओके, नॉट बीइंग एन एजेंट, ओके, हु एक सेकेंड, हु सप्लाइज, ओके, गुड्स स्लैश सर्विस लिख दो वहां पे आप, एंड कलेक्ट्स कंसिडरेशन ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर फ्रॉम द कस्टमर ऑन नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाइज मेड थ्रू इट बाई सप्लायर्स हैज बीन मैंडेटेड टू कलेक्ट TCS, राइट?
ऐसा फ्लिपकार्ट या अमेजोन इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दैट, जो सप्लायर के बिहाफ पे कस्टमर से कंसिडरेशन कलेक्ट करता है। ठीक है, तो कौन ऐसा ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर तो है बट दे आर ओके एन एजेंट, दे वर्क लाइक एन एजेंट। ओके, तो क्लासिक एग्जाम्पल इज ओएलएक्स, राइट? ओएलएक्स पे बेच दे, राइट? तो अभी ओएलएक्स का मॉडल अगर आप देखोगे, फ्लिपकार्ट का नहीं, ओएलएक्स का मॉडल देखोगे, तो ओएलएक्स के मॉडल में क्या सीन होता है? ओएलएक्स के मॉडल में सीन ये है कि यहां पे सेलर है, यहां पे बायर है, और यहां पे ओएलएक्स, ओएलएक्स बायर और सेलर को मिला देता है। सेलर बायर को कॉल करता है, बायर फोन उठाता है, दोनों के बीच में प्राइस नेगोशिएशन होता है, राइट? एंड सिंपल सी बात है, सेलर गुड्स सेल कर देता है और ये कंसिडरेशन दे देता है, बीच में ओएलएक्स आता ही नहीं। सर तो ओएलएक्स कैसे कमाएगा? लिस्टिंग फीस है, राइट? सेलर की लिस्टिंग फीस है, एड से, कि भाई आपकी प्रीमियम लिस्टिंग करवा दी, आपका ही आएगा, आपका ही क्या है, लोगों को एड दिखेगा, राइट? वैसा, ठीक है। तो ये एक ऐसा ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो एजेंट है, पर जो एजेंट का काम करता है, ओके, जो सिर्फ दलाल है बेटे, दलाल है, समझा? वैसे लोगों को क्या है, टीसीएस अंडर सेक्शन 52 में कोई जगह नहीं। क्यों? अरे क्योंकि बेटा आज यहाँ पे डू यू रियलाइज कि अमेजोन को अगर टीसीएस काटना है, अरे तो उसके लिए उसको कस्टमर से पैसा तो कलेक्ट करना पड़ेगा ना ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। उसके हाथ में 1 लाख है, उस 1 लाख में से क्या है टीसीएस काटेगा और फिर रिमेनिंग 99 प्लस जीएसटी दे देगा जेठा को? उसके पास वो 1 लाख आएगा ही नहीं गाउठी, वो काटेगा क्या? नॉनसेंस, समझ रहे हो? यहाँ पे तो पूरा ट्रांजैक्शन ही निपट गया सेलर और बायर के बीच में, ओएलएक्स को बीच में आपने धकेला ही नहीं, राइट? तो फिर टीसीएस काटने का क्वेश्चन कहां से आया? क्या हवा, हवा को काटेगा? नॉनसेंस। तो इसीलिए याद रखना, ये सबसे प्रोमिनेंट क्वेश्चन अगर आ सकता है तो ये आ सकता है कि इसमें टीसीएस कटेगा या नहीं कटेगा। तो अगर आपको ऐसा एग्जाम्पल दे दिया ओएलएक्स जैसा, जहां पे ही इज नॉट कलेक्टिंग कंसिडरेशन ऑन बिहाफ ऑफ द बायर, ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर फ्रॉम द बायर, तो वो ई कॉमर्स एजेंट इज बीइंग एन एजेंट, नॉट बीइंग एन एजेंट, इज बीइंग एन एजेंट। बट अमेजोन फ्लिपकार्ट आर नॉट बीइंग एन एजेंट बिकॉज दे आर गिविंग लॉजिस्टिकल सर्विस, दे आर कलेक्टिंग कंसिडरेशन ऑन बिहाफ ऑफ रिसीव, ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, दे आर नॉट मियरली जस्ट हेल्पिंग सप्लायर्स एंड रिसिपेंट्स मीट, दे आर ऑल्सो डूइंग अदर चीजें। गॉट इट? डज दैट मेक सेंस माई डियर फ्रेंड्स? यहां पे है कोई बंदा जिसने ओएलएक्स पे बेचा है कुछ, या ओएलएक्स से खरीदा है? एनी वन, रेज योर हैंड्स। क्योंकि मैंने बीच में ही क्या है दोस्तों, बहुत पहले था, क्या था फटाफट से बता। पुरानी नोट वो भी बिकती है, बिक जाती है ये भी। तो कितना मिला तेरे को? अगर 100 रुपया था तो तुझे कितना मिला? अगर 100 रुपए की नोट थी, जितने की भी नोट थी, कितना पैसा था और कितना मिला तुझे? या वो कोई रेयर नोट थी जो जिसका पैसा मिला है तुझे? अच्छा, ओके। मैंने अभी क्या है, मेरा एक सोफा था, अभी मैंने ऑर्डर कर दिया था,
बिकॉज मुझे था कि मस्त पॉडकास्ट वॉडकास्ट कुछ बनाऊंगा टकाड़क, पर फिर बोला भाग स्टूडेंट को ये कंटेंट देखना ही नहीं, राइट? माने वो पहले पढ़ाई करेगा, ये सब देखेगा टाइम पास। तो मैंने अभी क्या है, कुछ 15-20 हज़ार का वो सोफा, माने दो सोफा चेयर्स आ गए। तो मैंने बोला ये तो खाली पीली का खर्चा हो गया, तो मैंने रख दिया उसको सेल पे। तो अचानक से क्या है, 2 मिनट में ही ऑर्डर आ गए मेरे को। मैंने बोला ये क्या है भाई, मैंने तो प्रीमियम लिस्टिंग भी नहीं करवाई। फिर वो बंदा बोलता है मुझे, क्या आप एक काम करो, आप टेस्टिंग के लिए ना, टेस्टिंग के लिए आप ये QR कोड में मुझे पेमेंट कर दो 1,000 रुपये। मैंने बोला क्या पागल है, क्या अलीबाग से आए हम क्या, पाकिस्तान से आए हम क्या, सोफा बेचूंगा मैं, पेमेंट भी मैं ही करूं तेरे को, यानी मैं ही सप्लायर, मैं ही रिसीपर। फिर गाली दे के उसको बोला, माँ कसम निकल इधर से साले, फालतू गिरी चाहिए नहीं। वैसे OLX और उसमें बहुत स्कैम्स होते हैं दोस्तों, याद रखना प्लीज। ओके, यस। नहीं बना मैं दोस्त, नहीं बना, यस बच गया मैं। ओके, और वो इस कन्विक्शन के साथ बोलते हैं कि यार वो, और गधा क्या कर रहा था पता, मैंने प्राइस रखा था 60 हज़ार, वो प्राइस दे रहा है 30 हज़ार। वो अगर 57 बोलता है ना तो अभी भी बिलीवेबल होता, इतना डिस्काउंट दे दिया। मैंने बोला यार क्या बात कर रहा है भाई, नया नया नौ सीखिया आया लगता है, इंटर्न लगता है आजकल। ओके वैसा सीन। ओके ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट से। यस अभी यहाँ पे देखने वाली बात यह है, फटाफट से आ जाओ। ओके, रेट कौन सा लगेगा यहाँ पे दोस्तों, 1% याद रखना। TDS में 2 था, TCS में 1 है, ठीक है? अगेन इंट्रा हुआ तो सी और एस 0.5 0.5, इंटर हुआ तो पूरा आई 1%। ड्यू डेट क्या है, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग द मंथ इन विच सच सप्लाईज टेक्स प्लेस, ठीक है? याद रखना ये चीज कि अप्रैल में। ओके मैं आपको बताता हूं यहां पे TCS कटेगा भी कैसे। TCS कटेगा तो कौन सी वैल्यू पे कटेगा, ये चेक करिए आप, ये वैल्यू चेक करिए क्या लिखा है, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। अब नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है, व्हाट इज नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज दोस्तों, तो बोला एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस माइनस योर सेल्स रिटर्न, माइनस योर सेल्स रिटर्न, समझा? तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि आज जेठालाल ने, ओके, बबीता, शमीता, सुष्मिता, हस्मिता, ओके ओके, वो सबको क्या है, बेचा है, राइट? इसको 10 लाख, इसको 20 लाख, इसको 50 लाख, इसको 30 लाख, राइट? कितना हुआ, 30, 80, 110, 40, 150, 150 का बेचा है। और प्रीवियस मंथ में आपने जो बेचा था उसको रिटर्न भी आया है, कितना रिटर्न आया है, 50, राइट? सेल्स रिटर्न। तो ये पूरा हिसाब किताब उसको कब पता चलेगा, मंथ एंड में ही पता चलेगा, राइट? तो आप अप्रैल होगा तो वो 30 अप्रैल को ही क्या करेगा, मेरे हिसाब से हिसाब लगाएगा, राइट? और तब उसे पता चलेगा, ओके 150 लाख इज द टोटल टैक्सेबल सप्लाईज दैट आई हैव मेड, 50 लाख इज द सेल्स रिटर्न। चलो तो टोटल 100 लाख इस महीने में नेट सेल हुआ है, उस पे काटो TCS। आर यू गेटिंग इट? क्यों, मंथ एंड पे ही करेगा ये हिसाब। तो यहां पे आता है 1 लाख, वो 1 लाख क्या है, अगले महीने की 10 तारीख को वो जमा करे। तो यहां पे याद रखना, वहां पे क्या था, आपका आपका डिपॉजिट का डेट क्या था, जब आप डिडक्ट करते, यहां पे जब आप के थ्रू सप्लाई होता है, समझा? जब आपके थ्रू सप्लायर सप्लाई करता है, आपके थ्रू यानी ईसीओ के थ्रू, बिकॉज TCS काटना किसको है, ईसीओ। इज दैट वेरी क्लियर? तो
तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई किस वैल्यू पे काटेगा, तो सेल्स रिटर्न माइनस करना भूलना मत, बस दैट्स इट, ठीक है। एंड नहीं अगर टाइम पे पेमेंट किया तो 18% इंटरेस्ट लग जाएगा। वहां पे GSTR 7 था, यहाँ पे GSTR 8 है। यहाँ पे रिटर्न लेट फाइल किया तो वहां पे 25 रुपया प्रतिदिन था, यहाँ पे 100 रुपया प्रतिदिन है, या फिर 5000 विच एवर इज लोअर, ओके। एंड यहाँ पे एक और कंप्लायंस है जो वहां पे नहीं था, और वो था ये ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल स्टेटमेंट, वेरी सिमिलर टू एनुअल रिटर्न ऑफ अ नॉर्मल स्कीम टैक्स पेयर, जो उसे ओके एनुअल रिटर्न की तरह ही अगले साल के 31 दिसंबर को क्या है फाइल करना है, ओके तो उसको याद रखना। दो चीजें फाइल करनी है प्लीज, इसको एक कंप्लायंस करना है हर महीने, एवरी मंथ इसको कंप्लायंस करना है, कौन सा GSTR 8 का। तो ये हिसाब किताब हर महीने देगा वो 10th of next month को, और साथ साथ में एनुअल स्टेटमेंट भी फाइल करेगा वो, ओके। तो FY 23-24 है उसका, वो करेगा 31 दिसंबर 2024 को फाइल, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग कंप्लायंसेस है, प्लीज इसमें कंफ्यूजन मत रखना, दोनों की ड्यू डेट्स भी अलग है, ठीक है। अच्छा अभी इतना याद रखना, अगर कोई ECO को नोटिस आ गया डिपार्टमेंट का, स्पेशली डेप्यूटी कमिश्नर की अगर बात करें, तो डेप्यूटी कमिश्नर का नोटिस आ गया और नोटिस में क्या पूछा है आपको कि जरा आपका वॉल्यूम वॉल्यूम बताइए, गुड्स और सर्विस का क्या हो रहा है, कितने लोग आपके थ्रू माल बेच रहे हैं, क्या वॉल्यूम है, सेल्स क्या है बताइए, और आपके गोडाउन में अभी कितना स्टॉक पड़ा है, राइट। सर अमेजोन के गोडाउन में स्टॉक होगा, होगा स्पेशली समवन लाइक बोट, क्यों, क्योंकि उनका मेजर सेल ही क्या है बेटा, मार्केट पेनिट्रेट कैसे कर पाया हम, अरे अमेजोन और फ्लिपकार्ट के वजह से, बोट के पास इतना लॉजिस्टिकल सपोर्ट है क्या, नहीं, इन लोगों के पास है, और ये लोग बेस्ट सेलर्स है वहां पे। वो बोलता है ना मैं गुंडा हूं गुंडा हूं गुंडा हूं, राइट। तो इसीलिए बिकॉज वो मार्केट पेनिट्रेट कर पाए ये दोनों के वजह से, राइट। और वो बोलता है वो प्रॉफिट में, वो एक्चुअली लॉस में, वो उसमें भी गड़बड़ है मां कसम, उसकी ऑडिटर ने भी ना बोल दिया साइन नहीं करूंगा, ये सब घोटाले निकल रहे हैं, और नेट लॉस अभी पब्लिश किया इसीलिए IPO लेके नहीं आ पा रहा है वो, राइट। तो अभी दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि अगर नोटिस भेजा है डिप्यूटी कमिश्नर ने कि कितना भाई कितना, अरे कितना गोडाउन में स्टॉक है बताओ, कितना टर्नओवर है बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा, ये सब डिटेल्स फर्निश करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं बोल दिया नहीं करूंगा, समझा, टीचर नहीं है वो आपका, सुन लेगा, आपको करना ही पड़ेगा बेटा 15 दिन के अंदर, ये इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है याद रखना, विद इन 15 वर्किंग डेज। और अगर उसने नहीं किया वो चीज तो पेनल्टी लग जाएगा अंडर सेक्शन 122, और पेनल्टी लग जाएगा ओके अलग से 25,000 का। तो 122 में पेनल्टी है कितना पता है, 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट, राइट। प्लस पेनल्टी है उसको कितना और 25,000 का, तो ये दोनों पेनल्टी उसको लग जाएगा, याद रखना, बैंड बच जाएगी उसकी। 122 डिफाइन नहीं किया है मैंने, बिकॉज 122 सेक्शन ही आता है फाइनल CM ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज चैप्टर्स के अंदर, तो अभी बस इतना ही याद रखिए आप, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन बन सकता है, हाँ, ये डेप्यूटी कमिश्नर का MCQ में कि कितने दिन के अंदर फर्निश करना है और क्या फर्निश करना है, 15 दिन, और दूसरा स्टॉक का डिटेल्स एंड वॉल्यूम का डिटेल्स, ठीक है, परफेक्ट। और कितना पेनल्टी वो आपको याद रखना, ठीक है, दैट्स इट। तो ये पूरा TCS का खेल था, समझ में आया आपको,
ओके डन। अब लास्ट है माय डियर फ्रेंड्स, यस आपका फेवरेट आ गया दोस्तों, हु हैज मेड अ लॉट ऑफ हेडलाइंस दीज डेज, अरे भैया। ओके किसी ने मुझे मैसेज किया था सर, और ही लिव्स सो ही इज अ लीवर एंड यू टीच सो यू आर अ टीचर एंड यू टीच टेक्स्ट सो यू आर टेक्स्ट का टीचर। ओके तो और ही भैया है, और साथ साथ में दोस्तों आप आजकल नेशनल क्रश है दोस्तों, ये नहीं बेटा ये, यस ओके आ जाओ, तो आपको बेटा याद रखे ऐसी चीजें मैंने रखी है। ओके आ जाओ, चलो फटाफट से बात कर रहे हैं ONDC। आपको पता है ONDC है क्या? आपको पता है ऐसा गवर्नमेंट ने कुछ लॉन्च वॉन्च किया पता है कि नहीं? गाउटी पीपल्स, यस नेटफ्लिक्स। अरे आ जा। ओके ओके पब्लिक, तो आज दोस्तों अगर हम बात करें ठीक है ONDC की, दैट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये अलग ही क्या है गेम खेला है बेटा, मैं तो बोलूं गवर्नमेंट ने अलग ही गेम खेला है। इसमें बोला क्या है देखो, ओके देयर कैन बी मल्टीपल ECOs इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन, वन प्रोवाइडिंग एन इंटरफेस टू द बायर एंड अदर प्रोवाइडिंग एन इंटरफेस टू द सेलर। इन दिस सेटअप बायर साइड ECO कुड कलेक्ट कंसिडरेशन, डिडक्ट देयर कमीशन एंड पास ऑन द कंसिडरेशन टू द सेलर साइड ECO। माँ कसम क्या बोलू तेरे को अभी मैं, ONDC ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। पहले क्या सीन होता था, फॉर एग्जाम्पल आप एक कस्टमर हो, आपको लेट्स से जूते खरीदने हैं नाइका से, और आपको पता है वो लिस्टेड है अमेजोन पे, बराबर। तो आप जाओगे अमेजोन, अमेजोन क्या करेगा, अभी आप जाओगे अमेजोन, आपके पास क्या है वहां पे, ऑप्शन होगा कि भैया शूज है उसमें फिल्टर मारो नाइकी का, ब्लैक है वाइट है साइज है ये वो फलाना ढिंकाना, राइट। तो बेसिकली अमेजोन में क्या है, देर आर अ लॉट ऑफ सेलर्स हु आर लिस्टेड एंड कस्टमर हैज द ऑप्शन कि वो अमेजोन के थ्रू क्या है उन कोई भी सेलर में से एक सेलर को चूज करे, उनका प्रोडक्ट चूज करे और वो अमेजोन आपके घर पे डिलीवर कर देगा, राइट। तो लॉट ऑफ सेलर्स मीट अ लॉट ऑफ बायर्स हियर, डज दैट मेक सेंस, राइट। अ लॉट ऑफ सेलर्स ऑल अक्रॉस इंडिया मीट अ लॉट ऑफ बायर्स ऑल अक्रॉस इंडिया, डज दैट मेक सेंस, यस। तो दैट इज द जॉब दैट एमेजॉन डज, बट वॉट इज द जॉब दैट ONDC डज, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड दैट ONDC सबका बाप है, इसको जनरली क्या है जो नॉमन क्लेचर यूज किया है वो है ये कि ONDC इज द UPI ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। तो यहां पे अगेन देर आर लॉट ऑफ कस्टमर्स, देर आर लॉट ऑफ बायर्स, आई यूज द वर्ड बायर्स, और ONDC यहां पे बीच में आता है एंड एट द सेम टाइम वो ही क्या है बायर्स को एक्सेस मिलेगा कि फॉर एग्जाम्पल मुझे आईफोन खरीदना है, ठीक है तो मुझे खरीदना है आईफोन, ये मैंने डिसाइड कर दिया। अब वो आईफोन मैं फ्लिपकार्ट से खरीद सकता हूं, अमेजॉन से खरीद सकता हूँ, ओके स्नैपडील से खरीद सकता हूँ, मिंत्रा से खरीद सकता हूँ, अज्यूमिंग के मिंत्रा पे ये बिकता है, समझा? यस डू यू गेट दिस माय डियर फ्रेंड्स, डू यू गेट दिस? चलो ना आईफोन नहीं तो मुझे एक शर्ट खरीदना है, तो डू यू रियलाइज कि ये सभी
एग्रीगेटर्स को क्या है, एक साथ लेके आ रहा है, और सभी एग्रीगेटर्स के बायर को भी एक साथ लेके आ रहा है, और ये पूरा ट्रांजैक्शन रूट कर रहा है ONDC। तो यानी कि होगा क्या पता है, कि ये आईफोन जो आईफोन, ये तो कौन सा है, आईफोन 12 है, ओके, उसका यहां पे प्राइस दिखा रहा है क्या 1 लाख, यहां पे दिखा रहा है 90 हजार, यहां पे दिखा रहा है 95,000, यहां पे दिखा रहा है 99,000। तो इट्स समथिंग लाइक कि जहां सबसे सस्ता होगा मुझे मुझे लिस्ट बताएगा, समझा, समथिंग लाइक ट्रिवागो, अगर आपको पता होगा ट्रिवागो, तो जितनी भी होटल्स है वो सब होटल्स का क्या लिस्टिंग आपको करवा देगा, फिर वो booking.com पे है, MMT पे है, GoIB पे है, ओयो पे है, और एक ही क्या है, एक ही होटल का अलग अलग रेट्स आपको मिल जाएगा वहां पे। फिर आप वो होटल को सिलेक्ट करो और उस ई कॉमर्स ऑपरेटर से क्या उसका बुकिंग कर दो, समझा। तो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर का बाप है बेटा, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर का ई कॉमर्स ऑपरेटर है, राइट। क्योंकि बात यहां पे खत्म नहीं होगी, फ्लिपकार्ट माल बेचेगा क्या, आईफोन फ्लिपकार्ट बेचेगा या एप्पल बेचेगा, करेक्ट। तो ये ऑर्डर फिर क्या है, एप्पल को जाएगा। तो एप्पल ये ऑर्डर देगा किसको, लेट्स से आपने सिलेक्ट किया इसमें से फ्लिपकार्ट को, फ्लिपकार्ट ये ऑर्डर देगा किसको, ONDC को, और ONDC ये ऑर्डर देगा बायर को। आर यू गेटिंग इट नवीन, हाँ था या ना था वो, समझा। तो ये बहुत सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर को एक साथ प्लेटफॉर्म पे लाता है, और उन सभी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के बायर्स को, और उसको मिलाता है कौन, ONDC, गॉट इट। अभी ONDC में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अगर बायर ने ONDC के थ्रू ये बुक किया है, तो फिर ONDC का लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, ONDC को कितना ट्रस्ट कर रहे लोग, बिकॉज मैं नहीं ट्रस्ट करता ONDC को, मैं ट्रस्ट करता हूं अमेजोन को, फ्लिपकार्ट को, क्योंकि मैंने मंगाया है, बकायदा रिटर्न किया है, और बहुत बार किया है, एंड एज एक्सपेंसिव एज अ मोबाइल फोन, राइट। ये केस। तो दोस्तों उसकी अपनी चैलेंजेस है, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि अब कहानी में ट्विस्ट इस तरह से बराबर से देखना, क्योंकि यही दो चीज आपको क्लैरिफिकेशन में दी गई है, जो पक्का मुझे लग रहा है एग्जाम में आएगी, पक्का आएगी, और बहुत इजी है, बराबर से सुन लेना, बिकॉज दैट विल ऑल्सो माई डियर फ्रेंड्स द मार्क द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट, राइट। तो जैसे सीन क्या है दोस्तों, सीन ये है कि आज तृप्ति जी है, ओके, एज नवीन सेड, भाभी नंबर टू, ओके। तो आज भाभी नंबर टू ने ऑर्डर किया है 10,000 के गुड्स, ओके, ONDC से, ठीक है। तो भाभी जी अपने ONDC में गई, ओके। इसको बायर साइड ECO क्यों बोलेंगे, क्योंकि बायर ने कौन सा ऐप यूज किया है ऑर्डर करने के लिए, ONDC, राइट। तो ONDC हो जाएगा बायर साइड ECO। ONDC क्या करेगा, 10,000 में से ओके, अपनी जो फीस है ONDC की 100 रुपया, ओके, वो रखेगा, और 9,900, ओके, पहुंचा देगा किसको, सप्लायर। सप्लायर उसमें से क्या करेगा, 9,900 में से अपना कमीशन काटेगा और TCS काटेगा, और दे देगा किसको, अपने एनिमल भैया को, भाई नंबर वन, जो है एक्चुअल सप्लायर ऑफ TV, समझा। जहां पे अभी नेटफ्लिक्स पे आप देखोगे वो मूवी, ओके, यस। और भाई के क्या है, ई कैश लेजर में आ जाएगा 100 रुपया, जो TCS कटा था, ओके। तो बेसिकली बोलने जाए दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूजन यही था, आप समझो कंफ्यूजन यही था कि जो बायर है
उसका ईसीओ है ONDC। ONDC ये ऑर्डर देता है अमेजोन को, अमेजोन ये ऑर्डर देगा किसको, सप्लायर को यानी जेठालाल को, राइट। अब क्वेश्चन यही आ रहा था कि TCS काटेगा कौन, बिकॉज ये भी ईसीओ है, ये भी ईसीओ है, ये सेलर साइड ईसीओ है, ये बायर साइड ईसीओ है, तो काटेगा कौन एट द एंड ऑफ द डे TCS यार, क्योंकि दो ईसीओ है ना, बायर या सेलर। तो गवर्नमेंट ने बोला तू ये चेक कर कि फाइनली सप्लायर को पेमेंट कौन करने वाला है, फाइनली सप्लायर को पेमेंट रिमिट कौन करने वाला है, तो पता चला अमेजोन, राइट। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, तो फिर उसी को बोलो TCS काट दे। इज दैट वेरी क्लियर, उसी को बोल रहे हो कि वो TCS काट दे। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स इट। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहता था, तो बोल दिया है मैंने, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं। ओके, तो ये अपनी फीस ले लेगा, ये भी अपनी फीस ले लेगा, पर मोर सो ये TCS काटने का दारोमदार इसका होगा, बिकॉज पैसा वो सप्लायर को दे रहा है, और जितना ये काटेगा वो इसके ई कैश लेजर में जमा हो जाएगा। इज दैट वेरी क्लियर? ओके, तो बेटा रणबीर का कौन काटेगा? बॉबी देवल नहीं बेटा, अमेजोन। आर यू गेटिंग इट? यस। ओ या सॉरी, यहां पे कर दो प्लीज। उल्टा एरो मार दिया है। उसको लगा कॉमोडिटी यहां पे टीवी नहीं, प्यार है। यस, समझा, बह गया अपना DTP वाला। ओके, कंक्लूजन क्या लिया है मैंने? ओनली सप्लायर्स ईसीओ शेल कलेक्ट TCS। ओके, और इसीलिए ओके, एंड दैट इज नथिंग बट अमेजोन। ओके, अच्छा दूसरा केस क्या है? इंटरेस्टिंग केस है दोस्तों। बायर है, बायर ने ऑर्डर प्लेस किया है ONDC के साथ। ONDC ने वो ऑर्डर दे दिया है किसको? अमेजोन को। अब सरप्राइजिंग चीज ये थी यहां पे कि बायर ने जो चीज खरीदी थी वो चीज ओके एक सेल्फी स्टिक थी, और वो सेल्फी स्टिक का मैन्युफैक्चरर भी कौन था? खुद अमेजोन, क्योंकि ये अमेजोन बेसिक्स का प्रोडक्ट था। डू यू ऑल नो दिस गाइस? अमेजोन बेसिक्स, जहां पे वो खुद क्या है उसका, उसे बनाता है या उसकी ट्रेडिंग करता है अपना नाम छाप के। गॉट इट? गॉट इट गाइस? तो यहां पे अमेजोन ही क्या है बेटा? ईसीओ है, और अमेजोन बेसिक्स का जो आइटम है उसका सप्लायर भी खुद कौन है? अमेजोन। आर यू गेटिंग इट? तो सप्लायर ईसी और सप्लायर खुद दोनों एक ही है दोस्तों, समझा? तो क्या अमेजॉन किसी को ऑर्डर पास करेगा? हाँ, खुद को ही ऑर्डर पास करेगा, क्योंकि वो खुद ही बंदा है जो अमेजॉन बेसिक्स का प्रोडक्ट बनाता है, स्टॉक करता है और बेचता है। माने ही हिमसेल्फ इज रजिस्टर्ड एज अ सेलर ऑन हिज ओन ईसीओ। आर यू गेटिंग दैट? राइट, ये केस है। तो यहां पे सिंपल सी बात है दोस्तों कि सप्लायर एंड सप्लायर ईसीओ आर वन एंड द सेम। समझा क्या? तो अभी आप समझो कि सप्लायर अमेजोन ही है, तो हु इज द लास्ट ईसीओ जिसने अमेजोन, जो खुद सप्लायर भी है, उसको पैसा रेमिट किया था? ONDC। तो काटेगा भी कौन? TCS, ONDC।
इज दैट वेरी क्लियर गाइस? तो इसीलिए यहां पे अपने औरी भैया जो है बेटा, ओके सिंपल है। तो आज वो अगर क्या है 10,000 कंसिडरेशन देता है ONDC को, ONDC क्या है अपनी फीस के साथ साथ TCS भी वो ही काटेगा दोस्तों, और वो दे देगा अमेजॉन बेसिक्स को, और अमेजॉन बेसिक्स इस सिचुएशन में सप्लायर ECO भी है और खुद सप्लायर ऑफ गुड्स भी है, ठीक है। उसके ई कैश लेजर में पैसा जमा हो जाएगा और उसका TCS ONDC ही काटेगा, ओके। और इसीलिए यहाँ पे कंक्लूजन क्या दिया है, ओनली बायर्स ECO शैल कलेक्ट TCS इन दिस सिचुएशन बिकॉज द सप्लायर साइड ECO इज हिमसेल्फ अ सप्लायर, ओके। परफेक्ट है सिचुएशन, तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, आपको MCQ भी आ सकता है, आपको एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है जहाँ पे आपको पूछा जाए कि कौन काटेगा TCS, कौन काटेगा TCS, ओके। तो जब क्या है दोस्तों याद रखना, सप्लायर साइड ECO ही खुद सप्लायर भी है तो वहां पे ONDC काटेगा TCS, राइट, दैट इज बायर साइड ECO, राइट। पर अगर दोस्तों क्या है, बायर साइड ECO और सप्लायर साइड ECO, और सप्लायर साइड ECO जो है वो खुद सप्लायर नहीं है, कोई और सप्लायर है, जैसे जेठालाल हो गए, जैसे इस केस में रणबीर कपूर हो गए, तो उस केस में कुछ नहीं है, ECO वो ऑर्डर का शिपमेंट जो है वो दे देगा उस सप्लायर को, सप्लायर उसे भेजेगा अमेजोन को, अमेजोन उसे भेजेगा ONDC को, ONDC उसे भेजेगा बायर, तृप्ति डिमरी जी, तृप्ति डिमरी जी, आर यू गेटिंग इट, यस। ये केस, तो यहाँ पे द लास्ट पर्सन टू रेमिट यू नो अमाउंट टू द सप्लायर इज अमेजोन, दैट इज सप्लायर साइड ECO। तो यहाँ पे सप्लायर साइड ECO काटेगा, वहां पे बायर साइड ECO काटेगा, इज दैट वेरी क्लियर? यस सर, ओके। तो ये मेजर 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 अमेंडमेंट ही है दोस्तों याद रखना जो आया है, इसीलिए येलो में भी है ये, होप दैट मेक सेंस, ओके। यस चलो फटाफट से बताओ यहाँ पे TCS कटेगा कि नहीं कटेगा, बताओ। फाइट एंड सेल्स वॉच ऑन इट्स ओन थ्रू इट्स ओन वेबसाइट, क्या लगता है ये ECO की डेफिनेशन है? नहीं यार, मैं खुद का प्रोडक्ट खुद ही, जैसे मैं अपना प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट के थ्रू बेच रहा हूं मां कसम, तो क्या मैं ECO? अरे कोई भी वेबसाइट के थ्रू बेचता तो ECO, अरे गधे देख तो सही कि वो सप्लायर की वेबसाइट है या ECO की है, नहीं सवाल ही नहीं है, आप यहाँ पे खुद सप्लायर हो और खुद अपनी वेबसाइट बना के बेच रहे हो, आप कोई मार्केट प्लेस नहीं हो। अच्छा, ABC लिमिटेड हु इज अ डीलर ऑफ फाइटन ब्रांड सेल्स वॉचेस थ्रू फ्लिपकार्ट एंड ECO, हाँ ये डेफिनेटली क्या है, TCS है, ECO है, तो TCS कटेगा, ओके। तो ए वाले में बोल दिया है द काउंसिल ऑफ नेट टैक्सेबल वैल्यू मेड थ्रू इट बाय अदर सप्लायर्स वेयर द कंसिडरेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ सप्लायर इज टू बी कलेक्टेड बाय द ऑपरेटर, हेंस इफ द पर्सन सेल्स इट्स ओन प्रोविजंस पर्टेनिंग टू TCS वोंट बी एप्लीकेबल, ठीक है। एंड इफ ABC हुज अ डीलर ऑफ आइटम ब्रांड सेल्स वॉचेस थ्रू फ्लिपकार्ट देन द प्रोविजंस ऑफ TCS विल बी एप्लीकेबल बिकॉज एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर, पहला लाइन चेक करो, नॉट बींग एन एजेंट शैल कलेक्ट एन अमाउंट कलेक्टेड एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 1% मे बी नोटिफाइड बाई गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल। तो वो कुछ नहीं, ई कॉमर्स ऑपरेटर का क्या आप डेफिनेशन लिख देना एंड बोल देना सिंस इट डज नॉट सेटिस्फाई दैट बिकॉज इट्स सेलिंग इट्स ओन प्रोडक्ट थ्रू इट्स ओन वेबसाइट TCS वोंट बी एप्लीकेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए इज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लाइंग गुड्स थ्रू इट्स ई कॉमर्स सॉरी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल इन द कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट, द गुड्स बिलोंग टू बी एंड द कंसिडरेशन फॉर सच सप्लाई इज रिसीव्ड बाय ए एंड रेमिटेड टू बी एज पर कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट।
ए रिक्वायर्स योर हेल्प इन अराइविंग एट द रेट एट विच टैक्स शैल बी कलेक्टेड फ्रॉम द अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय इट अगेंस्ट द सप्लाईज। क्या लग रहा है, कटेगा? नो, बिकॉज योर ईसीओ इज एन एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट। एक्स बुक्ड अ होटल इन उदयपुर थ्रू एन ईसीओ फॉर एन अमाउंट ऑफ 25,000। एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस अमाउंट वाज पेबल एट द होटल एट द टाइम ऑफ चेक इन। ओके, वेदर टीसीएस शेल अप्लाई इन सच केस। इसका आंसर देखो यहां पे क्यों नहीं लगेगा, उसका एक ही रीजन है, क्योंकि ये पैसा डायरेक्टली क्या है, मैं होटल वाले को दे रहा हूं, मैं ईसीओ के थ्रू नहीं दे रहा हूं। दैट्स इट। फ्रेंकली दिस पोजीशन आल्सो डज नॉट स्टैंड बिकॉज यहाँ पे पूरा सिचुएशन अभी देखो, होटल के केस में टैक्स भी क्या है, 9.5 के थ्रू ही पे किया जाता है, बट वो तभी होता है जब ईसीओ के थ्रू क्या बुकिंग होता है और पेमेंट भी ईसीओ के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस सिंपल सी बात है, कुछ टीसीएस वगैरह नहीं आएगा, सिंपल सी बात है यहाँ पे। ओके, आप बस इतना याद रखो, टीसीएस के पोजीशन से याद रखो यहाँ पे कि पैसा ईसीओ के थ्रू सप्लायर को नहीं मिला है। ठीक है, पैसा ईसीओ के थ्रू सप्लायर को नहीं मिला है, रिसीपर ने सीधा पैसा सप्लायर को दे दिया। ठीक है, दैट्स इट। ये वाला बताओ क्या होगा सी। क्वेश्चन सेवन, क्वेश्चन सिक्स थियरी क्वेश्चन है, वो देख लेना। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या होगा बताओ। करेक्ट, अमेज़न। और यहाँ पे दैट्स परफेक्ट, एक नंबर। ओके, आई फील दैट्स इट, वी आर डन विद टीडीएस एंड टीसीएस। बोथ क्यू एन ए भी हम लोगों ने साथ में ही निपटा दिया, माई डियर फ्रेंड्स, आई होप दैट मेक सेंस। ओके, तो ये चीज प्लीज याद रखना। ओके, दैट्स इट माई डियर फ्रेंड्स, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। तो ये चीज क्या है, सॉर्टेड है बॉस। ओके, एंड या दैट्स इट, आई फील दैट डज मेक सेंस। एंड मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता था कि चलो ये सीन तो सॉर्ट हो गया, आपका टीडीएस हो गया, टीसीएस हो गया है, अच्छे से एकदम क्यू एन ए व्यू एन ए के साथ एकदम टकाटक, ऐसे नहीं आया, अब अच्छा लग, करने के बाद टिक मार्क मारने का मजा ही अलग है बेटा। ओके, कोई वड्डे वड्डे चैप्टर्स में ये दोनों ही है जो बाकी है। ओके, रिटर्न्स, ईवे बिल एंड अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, छोटे छोटे।